अच्छा ही बोलना पड़ेगा, बेकार बोलेगा तो दोबारा मिलेगी थोड़ी ना। अंडर गारमेंट पापा के लेने जा रहे हैं। मांगो ना, बहुत अच्छी बात है। मेरी टी शर्ट इसकी बहुत अच्छी लगी क्योंकि ब्लैक सबके साथ चला जाता है। तो वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? बहुत अच्छे हो गए। तो गाइस, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं नया नहीं हूँ क्योंकि आज मेरी क्लास नहीं थी और आज था संडे। कल है मेरा पेपर इंग्लिश का लास्ट। अभी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं सो के उठ के नीचे आ चुकी हूँ। तो गाइज, जैसे कि आप सबने कल देखा ही होगा, कल वाले व्लॉग में मैंने साग बॉईल किया था, तो उसको तड़का लगाना है क्योंकि डुगु ने आज ब्रेकफास्ट नहीं करना। वो बोल रहे हैं कि मुझे लंच लेके जाना है। तो अभी टाइम हो चुका है 9:40, तो मैं नीचे आई हूँ फटाफट से साग को तड़का लगा लेती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे साग के तड़के के लिए प्याज और टमाटर को कट कर लिया है। सिर्फ प्याज और टमाटर का तड़का लगा रही हूँ मैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो मैंने साग बॉईल किया था उसमें मैंने अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन को मैंने बीच में डाल दिया था। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं इसके अंदर प्याज डालने लगी हूँ। तो मैं अभी ब्लेंडर से साग को फटाफट से ब्लेंड कर लूंगी। पहले के लोग उससे करते थे, मतलब लाइक इसको बोलते थे, पंजाबी में तो बोलते हैं कि साग को घोटना है, घोटने से घोटते थे, बट मेरे से नहीं होता। मैं पहले मिक्सी में कर लेती थी, फिर जब से मैंने ब्लेंडर ले लिया तो मैं ब्लेंडर से करती हूँ। इससे भी थोड़ा मोटा मोटा अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे प्याज भी पिंक हो रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो कुकर में साग को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है और यहाँ पे मैंने प्याज के अंदर टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी जिससे टमाटर जो है वो जल्दी जल जाएंगे। थोड़ा सा ही करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी साग के अंदर नमक ऐड किया हुआ है। वो छोड़ दिया, इतना सही किया है, टमाटर जल जाएंगे जल्दी जल्दी इससे। तो गाइज, मसाले में मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। अभी मसाले के अंदर मैंने ऐड की है थोड़ी सी मलाई। मलाई डालने से टेस्ट अच्छा आता है। इसको भी 2-4 मिनट भून लेंगे ऐसे गैस पे। 2-4 मिनट तो नहीं, बस उतना ही कर लो जितने में मसाले में मिक्स हो जाए मलाई। आप देख सकते हो मसाला रेडी है। इसके अंदर अब मैं साग को ऐड कर दूंगी। तो अभी यहाँ पे साग को तड़का लग चुका है। अब खाने वाले खा के बताएंगे कैसा बना है। तो यहाँ पर पापा भी आ चुके हैं। हेलो पापा। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे आप? ओके, रिपोर्ट। सॉरी, अब मेरे को भी ले जाओ, आज लंगर लगना है। कोई लंगर नहीं लगना है, आप बोल रहे हो 1 वीक के बाद लंगर लगना है। आज संडे आना है, संडे को लगेगा। हर बार नहीं लगता लंगर, लगता है। ले जाओ मुझे भी। नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पापा का ब्रेकफास्ट आ चुका है। अभी पापा का रिव्यू पूछते हैं। पापा रिव्यू दो। मैंने खाया तो नहीं। खाओ के बताओ ना फिर कैसा है। अच्छा ही बोलना पड़ेगा, बेकार बोलेंगे तो दोबारा मिलेगी थोड़ी ना। एक नंबर। मम्मा। यस। पापा बेकार बोल रहे हैं। तो बेकार बोले ही नहीं है। पापा ने बेकार बोले, सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ है। होता रहे, मैंने बेकार बोला ही नहीं है। मम्मा आपने बेकार बोला। उठा लेना, जिसको बेकार लगता है वो खाता ही नहीं है, उठा ले प्लेट। चल हट जा, गिर जाएगी, हट जा। तो अभी मेरे को भी ब्रेकफास्ट मिल चुका है, मैं अभी करने लगा ब्रेकफास्ट। इतना घी खाएगा ना चप्पू तो तू मोटा मोटा ही आ जाएगा, मेरे पतला कहीं से नहीं होएगा। पर के तू घी खा रहा है। आपने भी इतना ही खाया था। मैं तो मेरी किस्मत करा था। हेलो गाइस, आज है संडे और मैं आ चुकी हूँ वापस जपनूर के व्लॉग में। तो हेलो सबको। हेलो गाइस, तो मैं अभी नहा धो के नीचे आ चुकी हूँ और ये अभी आप जपना से मिल चुके हो अभी। yeah. थोड़ी देर पहले आई थी हमारे घर पे।
तो ये 15 मिनट्स पहले आई थी, 50 मिनट्स। ओके तो गाइज अभी हमारे घर पे जपना आ चुके हैं और यहाँ पे ट्यूशन के स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं मेरे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे अभी कम हो चुके हैं बिकॉज पेपर कहीं के खत्म हो चुके हैं, तो अब स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। ये सिंगल बैच के हैं, अभी बड़े बच्चे नेक्स्ट बैच में आते हैं। और कल जब नूर का पेपर है तो मैं उसकी अब तैयारी कर रही हूँ, फिर उसको सारा कुछ लर्न करवाऊंगी। यस, अभी ये जब नूर का पेपर कल इंग्लिश का है, उसकी तैयारी इसने करनी है, वो ऑटोमेटिकली जब नूर के दिमाग में चली जाएगी। तो चलो ठीक है गाइज, अभी मैं ट्यूशन पढ़ाने लगी हूँ, तो लंच करने का मूड अभी मेरा तो नहीं है। जपू लंच करेगा तो अभी देखते हैं थोड़ी देर में। जपू यार मम्मी मैं जपनूर, सॉरी जपना, जपना जपना का भी मूड नहीं है लंच करने का अभी, अभी थोड़ी देर में होगा फिर देखते हैं। तो चलो ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे ट्यूशन की ब्रेक के बाद, बने रहना व्लॉग में। तो अभी यहाँ पर मुझे लंच मिल चुका है और मैं अभी लंच करने लगा हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं ट्यूशन पढ़ा के हो चुकी हूँ फ्री, और अभी टाइम मेरे पास था इनफ, 6:15 हुए हैं, तो मुझे लगा कि मेरे को कपड़े धो लेने चाहिए क्योंकि कपड़े धोने वाले थे। तो गाइज अभी मैं कपड़े धोने जा रही हूँ ऊपर, उसके बाद मैं फ्री होके आपसे मिलती हूँ। मुझे लगता नहीं आज डिनर में कुछ खास बनने वाला, क्योंकि जो सुबह साग बनाया था वो भी पड़ा है, और जो मैंने कल पेठे की सब्जी बनाई थी वो भी स्टिल वैसी की वैसी पड़ी है, किसी ने खाई नहीं अभी तक, तो मुझे नहीं लगता आज कुछ सब्जी बनाने की जरूरत है। लेकिन आज हम जाएंगे कहीं घूमने। क्यों, किसने बोला? जाएंगे। किसने बोला? जाएंगे। चल कहीं नहीं जा रहे, कहीं घूमने नहीं जा रहे गाइस। इसका मन करे ये तो रोज ही बाहर बैठा रहेगा, इसका इसका मोटू को क्या है, इसे उल्टी रिक्कर पहनी है गाइस, मूर्ख। तो चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं आज से ब्रेक के बाद। तो गाइस अभी मेरे कपड़े वॉश हो चुके हैं, ये देख सकते हो छोटे कपड़े सारे के सारे स्टैंड पे डाल दिए मैंने, और जो बड़े कपड़े हैं वो बाहर रस्सी पे सूखने डाले हैं। चिक नीचे कर दिए मैंने क्योंकि मच्छर आने का टाइम था, और आज मुझे दोपहर को रेडी होने का टाइम ही नहीं मिला, टाइम क्या नहीं मिला, मेरा दिल ही नहीं था, मतलब मैं नहा के ऐसे चली गई नीचे ट्यूशन पढ़ाने, पिंपल भी हो गया, कोई बात नहीं। अब मैं रेडी होने लगी हूँ क्योंकि रात को मार्केट जाना है थोड़ा सा सामान लेने के लिए। तो गाइज अभी यहाँ पे मैंने सूटकेस निकाल लिया है क्योंकि हम लोग ने फिर से कहीं पे घूमी घूमी करने जाना है, वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता लगेगा कि हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं, और आने वाले व्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। गाइज अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी सिस्टर मोना से बात, और मैं अभी अपना फेस मेकअप भी करने लगी हूँ, तो मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ CVB की CC क्रीम। ज्यादा कुछ नहीं अप्लाई करूंगी क्योंकि डेली बेस में सिर्फ मैं ये CC क्रीम यूज करती हूँ, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आज आफ्टरनून में मैं रेडी नहीं हुई, अब होंगी क्योंकि रात को मार्केट जाना है। तो गाइस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये देखो प्रिटी लग रही हूँ ना मैं, अपनी तारीफ कर दी। तो हाँ, आप लोगों ने मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मैं लिपस्टिक के कौन से शेड यूज करती हूँ और कौन सा ब्रांड यूज करती हूँ, तो गाइस मैं लिपस्टिक नियॉन की यूज करती हूँ। ये देखो अभी जो मैंने लिपस्टिक यूज करी है ये है मियॉन की सुपर स्टे 18 न्यूड कलर है इसका, मियॉन की लिपस्टिक है ये, और ये ज्यादातर मैं सारी मियॉन की ही यूज करती हूँ क्योंकि ये वाली लिपस्टिक ना मेरे लिप्स पे फटती नहीं है। और अभी मैंने लिपस्टिक के कुछ नए शेड्स भी लिए हैं मेकओवर की लिपस्टिक भी मैंने ली है, ये भी मैंने यूज करी है बट ये भी मेरे लिप्स पे फट नहीं रही है, तो मैं यही वाले शेड्स यूज करती हूँ, और ज्यादातर मेरे को ये वाला शेड बहुत ही ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा मैं ये वाला शेड यूज करती हूँ। बाकी आप लोग देख सकते हो, अगर आपको पसंद है तो आप ट्राई करना, अदरवाइज जो आप यूज करते हो वो भी अच्छी होंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स, मैं फिर से आ चुका हूँ। अभी जपना जा चुकी है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो मैं फिर से आ चुका हूँ आपका सबका प्यारा जप्पू। जपना गई है बाहर, वो अब आएगी फिर से संडे को, देखते संडे को आती है कहीं छुट्टी करके फिर आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे मेरी मोटू जप्पू आ गई है, और आ गई है नहीं, आ गया है, और हम दोनों जा रहे हैं नीचे क्योंकि जप्पू के पापा को आज शॉपिंग करनी है। हंसी वाली बात है, जप्पू के पापा ने अंडरगारमेंट्स लेने हैं कहीं पे बाहर जाना है ना तो पहले उन्हीं की नीड होती है। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए, तो नीचे जप्पू के पापा आ चुके हैं, हम उतरने लगे हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। पटाखे मारते हुए जुगू आए, कहाँ जा रहे हो डुगू? हम जा रहे हैं। क्या कर रहे हो ये बताओ? हम कहीं जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे, मैंने तो बता दिया आप कहाँ जा रहे हो, क्या लेने जा रहे हो, मैंने तो ये भी बता दिया आप क्या लेने जा रहे हो। पापा जपना आई थी, आप
आपको मिलने पाए। रुको मैं तो बता दिया, आप क्या लेने जा रहे हो अपने लिए? जब भी जब ना आती है जप्पू, हम पापा के क्या लेने जा रहे हैं? चले चले चलो चले चलो चलिए। अंडर गारमेंट पापा के लेने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये देखो यहाँ पे जितना मर्जी इनको कोई बोल ले, बट इन्होंने छोले भटूरे आज फिर दोबारा शुरू। जब वो अपना सब तेरी घर आके पिटाई करेंगे, उसके बाद ही तुम्हें सुधरना है। नहीं सुधरना ना आपने, मैं तो खा ही नहीं रही। देख लो दोनों खा रहे हैं, दोनों ने प्लेट्स लिए हैं। शॉपिंग करने हम पापा डुगू की आए थे और शॉपिंग करी है जप्पू ने। क्यों भाई? तो अभी हम मार्केट से घूम के घर पे वापस आ चुके हैं और मास्क देखो मेरा हैंड में ऐसे ही गया था और ऐसे ही वापस आ गया। ब्रेसलेट बन गया, मास्क कम ब्रेसलेट ज्यादा लग रहा है। तो गाइस शॉपिंग करने तो हम डुगू के गए थे, लेकिन शॉपिंग करके आया है ये हमारा मोटू। तो चलो देखते हैं आज इसकी शॉपिंग, किसने क्या क्या शॉपिंग करी है। तो ये है मेरी दो पॉलिथीन पूरी शॉपिंग की, पहली पॉलिथीन में। चलो दिखाओ क्या क्या शॉपिंग करी है। ये है, ये है, इसको इसका नाम नहीं पता क्या है। ये है गाइस इसकी कैप्री, कैप्री यस। ये है कैप्री। और क्या लिया है? और है पैंट, नॉट पैंट, जीन्स। ये है इसकी जीन्स, बिग है इसको, कलर अच्छा लग रहा है। यस yes, खोल के दिखाना, खोल के। ये है जप्पू की जीन्स, अच्छी लग, कलर अच्छा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना। और क्या लिया है? शॉर्ट्स, ये इसने नाइट में पहनने के लिए शॉर्ट्स लिए हैं, क्योंकि मेरी वन वो शॉर्ट है ना, वो नीचे से पूरी फट गई थी, इसलिए मैंने नहीं ली। यस ये ब्लू वाली गोवा वाले बीच पे वो ली है, अच्छी लग रही है ना। और ये व्हाइट वाली, मुझे ब्लू वाली अच्छी लगी बहुत ज्यादा, व्हाइट वाली भी अच्छी लगी। लेने कुछ भी नहीं गया था और मिला देखो कितना कुछ है इसको मोटू को। चलता तो नहीं है, सीधी दिखाना, सीधी करके भाई। तो ये ली है इसने एक ग्रे कलर की टी शर्ट और एक ब्लू कलर की टी शर्ट। इसके ऊपर क्या बना हुआ है? कार्टून देखता देखो, पता नहीं कौन सा कार्टून है। उसका मुंह छुआ, मैं कैसे बताऊं? तो ये किसने ली है? स्काई कलर की, स्काई नहीं है जप्पू, ये ब्लू ब्लू है ना, नेवी ब्लू बोलते हैं, नेवी ब्लू नहीं है, पता नहीं कौन सा ब्लू है, जो भी है। ये ब्लू कलर की, यस। एक व्हाइट कलर की, पूरा टोटल हमने लिया फोर टी शर्ट, यस, व्हाइट कलर की। एंड लास्ट ब्लैक कलर की, सबसे मेरी फेवरेट सबसे ज्यादा ये वाली है, ब्लैक। और मम्मी का कलर फेवरेट ब्लैक ही, मेरे को सबसे ज्यादा ये ब्लैक वाली टी शर्ट अच्छी लगी। तो गाइस आप जप्पू की पूरी की पूरी, हाँ, क्योंकि ब्लैक सबके साथ चल जाए ना, पगड़ी ढंग से दिखाना, सीधी करके भाई। ये देखो मुझे ये वाली टी शर्ट इसकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ब्लैक सबके साथ चला जाता है। तो गाइस जप्पू की पूरी शॉपिंग आप देख चुके हो, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सी टी शर्ट अच्छी लगी। अच्छी लगी ना, कमेंट सेक्शन में बताना। ओके तो गाइस आपने देखा था कि मैंने पेठे की सब्जी बनाई थी, वो किसी ने भी खाई नहीं अभी तक, स्टिल वैसे की वैसे ही पड़ी है। तो आज मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई, तो हम आज पेठे की सब्जी ही खाएंगे। इस सब्जी को मैं पहले अच्छे से गर्म कर लूंगी, गर्म करने के बाद इसमें मैं ये दो अंडे तोड़ूंगी। सारी सब्जी गर्म नहीं करनी, हमने जितनी खानी है मैं उतनी ही गर्म करूंगी बस। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बस इतनी ही सब्जी ली है पेठे की, क्योंकि मैंने और डुगू ने ही रोटी खानी है, तो बहुत ही कम क्वांटिटी मैंने ली है। इसको मैं पहले अच्छे से गर्म कर लूंगी, गर्म करने के बाद इसके अंदर अंडे डालने हैं, क्योंकि ऐसे मैं अंडे डाल दूंगी तो वो सब्जी तो ठंडी रह जाएगी, क्योंकि वैसे भी फ्रिज में पड़ी हुई थी। तो अभी सब्जी अच्छे से गर्म हो चुकी है और आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर दो अंडे डालने हैं। तो एक अंडे में इतना सा नमक डलता है, तो उस दो अंडे के अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर इतना नमक डाल दिया है।
मैंने वैसे पर्टिकुलर कोई जगह मेंशन नहीं करी थी, वो ऐसे ही रह गया, नमक मैंने डाला था उसके अंदर ऐसे ही रह गया। अब मैं इसके अंदर ये दो अंडे तोड़ के डालने वाली हूँ। तो अभी मैंने इसके अंदर ये दोनों अंडे तोड़ के डाल दिए हैं, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सब्जी में। तो फाइनली गाइस पेठे की सब्जी अंडे डाल के हो चुकी है रेडी। तो ऐसे ही पेठा हम खाते हैं, बाकी जो जैसा खाता है सबका अपना अपना टेस्ट है। तो अभी यहाँ पे डुगू का डिनर रेडी है, पेठे की सब्जी विद रोटी विद अचार। तो गाइज आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में हमें बोल रहे हो कि हम अपने घर का होम टूर दें आपको, तो फटाफट से होम टूर देखने के लिए हमारे 5K सब्सक्राइबर पूरे करवाओ। जैसे ही हमारे 5K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारी होम टूर की होगी। कुछ इतने से सब्सक्राइबर रह गए 5K होने में। तो चलो ठीक है गाइज, हमारी आज की वीडियो और आज का व्लॉग बस यही तक ही था। खूब मस्ती भी करी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को चलो दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, आई विल सी नेक्स्ट व्लॉग। जो शॉर्ट के पब्लिक फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और जो हमारी वीडियो को बिना सब्सक्राइब करके देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करके देखो। रुको जरा, सब्र करो, इतनी तेज तेज कौन बोलता है भाई। तो चलो ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय। Thanks for watching. I will see you next vlog. Tata bye bye.